हे फूडीज़, वेलकम टू मीनू के। आज मेरे किचन में बनने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट आलू मेथी और पालक की कॉम्बिनेशन की सब्ज़ी। आप इसको वैसे भी बना सकते हैं जैसे आप पालक और आलू की बना दें या सिर्फ मेथी की बना दें, तो आप अपने हिसाब से कोई भी वेरिएशन अपनी सब्ज़ी में आप ला सकते हैं। पर मैं यहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर बनाने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होती है और सर्दियों में तो ये बहुत ही अबंडेंस में मिलती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप अपने घर में एटलीस्ट हफ्ते में एक या दो बार हरी सब्ज़ी ज़रूर बनाकर खाएं। तो यहाँ मेरे पास में है बारीक कटी हुई मेथी जो लगभग आधा किलो से थोड़ा कम है, पालक एक गट्टी। अब इसमें क्या होता है कि ज़्यादा हम जब क्वांटिटी में डालते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी बन जाएगी, पर पालक ज़्यादातर सूख जाती है, अपना सिकुड़ जाती है वो, तो वो सब्ज़ी की क्वांटिटी आपकी थोड़ी कम हो जाती है। तो इसी हिसाब से आपको रखना चाहिए कि आपकी सब्ज़ी भी अच्छी खासी बन जाए और स्वाद भी बरकरार रहे। और यहाँ मेरे पास में है मोटी वाली हरी मिर्च, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है पर स्वाद में बहुत अच्छी होती है। तो एक हरी मिर्च मोटी वाली मैंने काट के रखी है, दो छोटे आलू इनको मैंने स्लाइस किया है चार टुकड़ों में, एक बड़ा टमाटर। यहाँ मेरे पास में आप देख सकते हैं आंवला। आंवला एक ऐसी चीज़ है जो हमको कोशिश करनी चाहिए अपने हर खाने में ऐड करने, क्या आप दाल बना रहे हैं या सब्ज़ी बना रहे हैं, आप ज़रूर ऐड करें, ये बहुत बहुत ही हेल्दी होती है। साथ में जाएगा एक बारीक कटा हुआ प्याज। सब्ज़ी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे रिफाइंड ऑयल, अगर आपको सरसों के तेल में भी बनाना है आप वो भी बना सकते हैं, उससे भी स्वाद उतना ही अच्छा आता है। मसालों में आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास में है जीरा और राई, सो आधा आधा चम्मच ये जाएगा। सूखे मसालों में हम ऐड करेंगे रेगुलर मसाले जैसे नमक, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला। तो मसालों की क्वांटिटी भी हम कम रखेंगे और तेल की क्वांटिटी को भी हम कम ही रखेंगे। तो बस चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं बहुत ही स्वादिष्ट पालक मेथी और आलू की सब्ज़ी। तो गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसको पहले हम अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद में हम डाल देंगे तेल। तेल को हमने अच्छे से गरम कर देना है, इवनली स्प्रेड आउट कर देना है। और तेल गरम होने के बाद इसमें जाएगा हमारा जीरा और बाकी इंग्रेडिएंट्स। तेल गरम हो गया है, अब मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा और राई, इसको हम हल्का सा क्रैकल होने तक रख देंगे। उसके बाद में हम डाल देंगे इसमें प्याज और टमाटर। हमें यहाँ इनको इंडिविजुअली पकाना नहीं है क्योंकि सब्ज़ी के साथ में ये सारी चीज़ें पक जाती हैं, तो इसलिए हमको प्याज को ट्रांसलेट या टमाटर को सॉफ्ट नहीं करना है, वो अपने आप ही हो जाता है। टमाटर और प्याज के साथ में अब हम डाल रहे हैं आलू, और आलू के साथ में ही जाएंगे हमारी हरी मिर्च। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिए, जैसा आपको तीखा या कम तीखा पसंद हो आप वैसा ही अपनी सब्ज़ी में मसाले और हरी मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। अब हम डाल देते हैं इसमें कटे हुए आंवला, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, स्वाद उतना ही और हेल्थ के लिए जितना अच्छा आंवला है उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। ये सब सब्ज़ियाँ डालने के बाद अब हम डाल रहे हैं हमारी कटी हुई मेथी और पालक, और इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि पालक में जो पानी है उससे उसी में ही हमारी सब्ज़ी पूरी की पूरी पक जाएगी। तो बस अब इसको हम अच्छे से पहले एक से दो मिनट के लिए बिना मसाले डाले ही इसको हम मिक्स करके अच्छे से पकाएंगे, और फिर इसमें हम हमारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे और फिर ढक्कन लगाकर सब्ज़ी को पकने के लिए रखेंगे जब तक वो बिल्कुल सॉफ्ट और खाने के लिए रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा था कि पालक
सिकुड़ जाता है, आपको उस समय तो वो बहुत ज़्यादा लगता है, पर जैसे जैसे सब्ज़ी पकना शुरू हो जाती है पालक धीरे धीरे से सिकुड़ जाता है, आप देख सकते हैं। और अब इस बीच में हम डाल देंगे हमारे सूखे मसाले। और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। और फ्लेम को अब मैं लो कर रही हूँ, बिल्कुल मैंने स्लो में रख दी है फ्लेम को। और इसको ढक्कन लगाकर अब हम पकने के लिए रख रहे हैं जब तक सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो। सो फूडीज़, तैयार है हमारी गर्मा गर्म आलू मेथी और पालक की सब्ज़ी। आलू बहुत अच्छे से गल गए हैं, सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। इसको गरम गरम फुलके के साथ लेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मीनू के को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।